बिल्कुल लनु, देखिए एक भाटपार रानी को छोड़ दीजिए तो 2017 में यानी अभी मौजूदा 6 बीजेपी के विधायक हैं। चलिए विवेक का रुख करते हैं। सुबह 6 बजे से वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मतदान प्रतिशत से क्या लग रहा है विवेक और लोग क्या कह रहे हैं? देखिए इसमें ऐसा बात करें, अगर आपने कहा भाटपार रानी, तो भाटपार रानी एक ऐसी सीट है जो पहली बार अगर जीतेगी तो भाजपा जीतेगी। आज तक इतिहास में वहां पर भाजपा का कमल नहीं खिला है। इसके अलावा जो संघर्ष वाली सीटें हैं वो पथरदेवा है, वहां पर दो पूर्व मंत्री, एक मंत्री है तो एक पूर्व मंत्री है, उनके बीच संघर्ष है। सदर सीट पे भी घमासान है। बिल्कुल, वो हमने बताया बलिया में कहां पे देवैया विधानसभा, देवैया विधानसभा में कमल खिलेगी। मेडिकल कॉलेज और 24 घंटा लाइन हम लोगों को मिला है, इससे ज़्यादा बहुत कुछ मिला है। बुलडोजर बाबा की सरकार बनेगी और कमल खिलेगी। मेडिकल कॉलेज बनने का लाभ मिल रहा है जी। हमारे भाजपा ने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए मेरे प्रभु भाजपा की कहाँ तक प्रशंसा किया जाए, वो प्रशंसा अधूरी रह जाएगी। प्रभु आप बताइए, आपने वोट डाला? वोट डाला है, हम तो बीजेपी को ही लाएंगे। अच्छा, बीजेपी को लाएंगे, चलिए। आप कहते हैं कि आप बीजेपी से ही सरकार बनाएं, क्योंकि यहाँ कुछ थी सही कहे, मेडिकल कॉलेज और ये राशन और ये सब का प्रभाव, राशन का फायदा मिला है। आप बीजेपी लाएंगे? बीजेपी लाएंगे। आप क्या कहते हैं? बीजेपी लाएंगे। आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ, तो सब बीजेपी। बाबूजी आपने वोट डाला है, बुजुर्ग हैं आप समझदारी की बात इधर आगे करिए, जरा इधर आइए, हमारे कैमरे के सामने आइए। आप बताइए मुद्दे क्या हैं? जब से योगी सरकार आई है यहाँ बहुत प्रोग्रेस हुआ। विवेक जाहिर तौर पे जितने लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है बीजेपी का, लेकिन तमाम लोगों की जो प्रत्याशी हैं उनकी